नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे धन त्रयोदशी 2023, यानी कि धनतेरस कब है और धनतेरस के दिन किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए और धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को जानकारी प्रदान कर दूं कि धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस जो है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को प्रतिवर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि और साथ में प्रदोष काल की बात करें तो त्रयोदशी तिथि जो है वह 10 नवंबर 2023 को दिन में 11:47 पर प्रारंभ होगी और यह त्रयोदशी तिथि दूसरे दिन यानी कि शनिवार के दिन में 2 बजे तक रहेगी तिथि, लेकिन प्रदोष काल उसी दिन मिल रहा है, इसलिए धन त्रयोदशी का यह महान पर्व उसी दिन मनाया जाएगा। धन त्रयोदशी में किसका पूजन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर निकले थे, धन्वंतरी यानी कि धन के जो देवता हैं उनका नाम धन्वंतरी, और साथ में भगवान कुबेर, कुबेर भी धन के देवता होते हैं, तो भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। विशेष रूप से तो धन्वंतरी और भगवान कुबेर का ही पूजन इस दिन करना चाहिए। प्रदोष काल का जो समय होगा वह सायंकाल 5:48 से लेकर और 8:30 तक का होगा। भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान कुबेर का पूजन पूरे दिन किया जा सकता है इस दिन। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्रियों को खरीदना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और लाभदायक भी रहेगा। धनतेरस के दिन कोई भी नया सामग्री अवश्य खरीदें। बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन कुछ न कुछ खरीदना चाहिए। विशेष करके बर्तन अवश्य खरीदें, चाहे वह किसी धातु का हो, यानी कि स्टील का हो सकता है, चांदी का हो सकता है या फिर सोने का। अगर सोने की कैपेसिटी है सोना अवश्य खरीदें, अन्यथा चांदी या फिर स्टील को खरीदना भी शुभ फलदायक रहता है। अब इससे भी अधिक लाभ देने वाले वस्तुओं की बात करें तो बर्तन अगर कोई भी आप खरीदते हैं जिसमें पानी रखा जा सके, जैसे ग्लास है, कटोरी है, लोटा है, जग है, ऐसे वस्तुओं को खरीदना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। उसके अलावा और क्या खरीदना चाहिए, भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति खरीद सकते हैं आप, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखें कि गणेश और लक्ष्मी की जब भी मूर्ति आप खरीदते हैं तो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ज्वाइंट मूर्ति खरीदते हैं जो एक साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अलग अलग भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। मिट्टी का दीपक अवश्य खरीदें, जिस दीपक से उस दिन भी पूजन कर सकते हैं, साथ में दिवाली के दिन भी इसी दीपक का प्रयोग आप करें। उसके अलावा और किन किन चीजों को खरीदना आवश्यक है, आप उस दिन चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, उसके अलावा आप कौड़ी खरीद सकते हैं, गोमती चक्र खरीदना चाहिए, उसके साथ साथ में दक्षिणावर्ती शंख का भी अद्भुत महत्व शास्त्रों में बताएंगे। इन सामग्रियों को खरीदें और पूजन में सम्मिलित करें, यानी जब भी आप भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन विधिवत करें और साथ में मंत्र जप भी करें। ओम धन्वंतरियै नमः, भगवान धन्वंतरी का मंत्र है, और ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का जप आप अवश्य करें, और संभव हो तो कमल गट्टे की माला से इन मंत्रों का जप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। सायंकाल के समय, जो प्रदोष काल की हमने बात की, प्रदोष काल में आप भगवान कुबेर और धन्वंतरी का पूजन करते हैं और इन मंत्रों का जप करते हैं, या किसी भी विशेष जिज्ञासा के साथ आप भगवान कुबेर और उनके साथ में धन्वंतरी का अभिषेक करें। अब आप कहेंगे कि कुबेर और धन्वंतरी की मूर्ति कहाँ से लाएं, कुबेर की मूर्ति तो अमूमन मिल जाती है, धन्वंतरी की मूर्ति अगर आपको नहीं मिलती है या फिर भगवान कुबेर की, आप कुबेर यंत्र खरीदें। यंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, जिस पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, अंक लिखे हुए होते हैं, उस प्रकार का यंत्र भगवान धन्वंतरी और कुबेर का यंत्र खरीदें। उस यंत्र पर आप प्राण प्रतिष्ठा और
अभिषेक करके षोडशोपचार पूजन करवाएं, फिर विशेष अनुष्ठान जैसे कि आप कनकधारा स्तोत्र या फिर श्री सूक्त का पाठ करवाएं। योग्य एवं विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सही मुहूर्त में आप किसी भी कामना से अगर यह कार्य करते हैं, इस प्रकार का पूजन करते हैं, तो दिन दुना रात चौगुना आपकी तरक्की होती है। भगवान कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा अगर आप पर हो जाती है तो निश्चित तौर पर आप पूरे वर्ष आपका परिवार आपका व्यापार खुशियों से भरा रहेगा। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।